सदर अस्पताल में देखो दिक्कत अस्पताल में प्यार में पीएमसीएच जाइएगा वही हाल है। और सदर अस्पताल सहरसा हो या कुछ भी हो, निश्चित रूप से मां डकैती होती है। मैं तो स्वीकार करता हूं जनाब, मैं तो कह रहा हूं कि आम आदमी त्रस्त है, परेशान है और इसकी चिंता किसी सरकार को और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी मस्त है। वह समाज में नफरत पैदा करके चुनावी साल में आग लगाकर वोट और सत्ता की राजनीति कर रहा। चूँकि पिछले कुछ दिनों में सदर अस्पताल में लाइट में ऑपरेशन किया गया था, जिसकी पूरी दुनिया ने देखी है किस तरीके से यहाँ हमारे मीडिया के लोगों ने, अन्य लोगों ने इसको समाज के बीच रखा। हालात अच्छे नहीं हैं और लगभग दवाई बाहर से और 20-30 रुपये का दवाई 60 रुपये में, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी। अस्पताल की स्थिति अच्छी नहीं है, एनआरटी है और मुझे लगता है कि जानवर से बदतर स्थिति है अस्पतालों की। और सरकार गंभीर नहीं होना मुझे आश्चर्य है। हमने मंत्री जी से बातचीत, अभी फोन लगाया था, नहीं हुई है, फिर मैं बातचीत करूंगा, मिलूंगा। कोसी कमिश्नरी का सहरसा अस्पताल को पीएमसीएच कहा जाता है और उसकी स्थिति इतनी बुरी है, शायद आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। बलात्कार के केस किस तरीके से आए सामने में, कई घटनाएं कई तरीके से आई, लेकिन ना तो बाहर निया है और ना ही अस्पताल में किसी भी तरह की कोई सुविधा है। हर चीज़ों को बाहर से लिखना, उसका कमीशन लेना, दुकानदार मनमानी तरीके से पैसे वसूलना। एक बर्निंग पेशेंट थे जिसने लगभग 10,000 से ऊपर की दवाई बाहर से खरीदी, सारे पुर्जे आपने देखे। मुझे नहीं पता आम आदमी और सरकार के बीच क्या रिश्ता है। बस हम तो कोशिश करते हैं कि जो लोग इमरजेंसी में जिसकी स्थिति ना हो उसको तुरंत आर्थिक मदद हो जाए। 20-25-30% को आर्थिक मदद पार्टी के तरफ से की गई है, यदि और भी हालात खराब होते तो और भी मदद की जाए। सांसद महोदय, यहाँ जो है पेशेंट सुचारू ढंग से इलाज हो भी जाता है तब भी रेफर कर दिया जाता है और दलालों के चंगुल में फंसा हुआ रहता है। निश्चित रूप से जिन चीज़ों को रेफर नहीं करना चाहिए उनको रेफर कर दिया जाता है और वो रेफर प्राइवेट क्लिनिक में, जबकि उसको नहीं करना है, या तो दरभंगा पीएमसीएच आईजीएमएस करना है। और वो प्राइवेट यहाँ के जो क्या कहते हैं, जो एम्बुलेंस के जो चालक है और दलाल हैं, उनकी मिलीभगत से पूरा का पूरा शहर का जो आम आदमी और गरीब आदमी जो इलाज कराता है वो जाके पटना और अन्य बड़े शहरों में बंधक बन जाते हैं। नतीजा होता है कि पप्पू यादव को युद्ध लड़ना पड़ता है। दर्जनों ऐसी घटना आप जानते ही हैं, परसों भी मुझे बेल लेना पड़ा ऐसे ही डॉक्टर के खिलाफ आंदोलन में। तो ये स्थिति एम्बुलेंस चालक, दलाल और कई ऐसे डॉक्टर हैं जिसके मिली भगत से इस तरह की धंधे उद्योग चल रहा है, पैसे कमाने की पूरी लूट है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल का वायलेशन हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन ढाक के तीन पात मुझे लगता है कि सिर्फ सदर अस्पताल के बारे में नहीं, बिहार और बिहार के बाहर जो अस्पतालों की स्थिति है आज, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है नफरत का। इस कंट्री में आम आदमी कैसे जिएगा, मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, मुद्दा है जय श्री राम का, मुद्दा है भगवान परशुराम जी का, मुद्दा है बाबू वीर कुमार सिंह जी का, जय भीम का, मुद्दा है आरक्षण का, मुद्दा इंसान का और गरीब का नहीं रहा। परशुराम भगवान सिंह तलवार निर्माण के लिए उठाए थे, आज हम हैवॉक क्रिएट करने के लिए। बाबू वीर कुमार सिंह की लड़ाई हम सब उसको याद करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि चुनावी साल में ये सारी चीजें चली आ रही लगातार? इसके पहले क्यों छुट्टी नहीं दी गई थी? आज ही चुनावी साल में छुट्टी क्यों? इसके पहले घोषणा क्यों नहीं हुआ था? इसके पहले इस तरह की चीजें क्यों नहीं हुई? अब
कोई और तलवार लेके निकलेगा तो हम फरसा लेके निकलेंगे, ये उचित है क्या? नहीं, ये तो समझ में मुझे नहीं आता।